Good morning, students. Today I will teach class 8 subject plans, chapter number 1, rational number. Just like the last video, we have told that rational number is what is rational numbers. There are positive rational numbers, negative rational numbers. We have cleared all these things in the last video. Today we will clear our 3 topics. First is lowest form of a rational number. Rational numbers is the lowest form of a rational number. Second, how we find the lowest form. हम किसी भी रेशनल नंबर की लोएस्ट फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं. थर्ड, रेशनल नंबर ओनली नंबर लाइंस, मींस जो नंबर लाइंस होती है उस पे हम रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, लोएस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर. कि रेशनल नंबर की जो लोएस्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है. ए रेशनल नंबर ए अपॉन बी इज सेड टू बी इन द लोएस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म इफ ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. इट मींस जो रेशनल नंबर का हमारी लोएस्ट फॉर्म होती है वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है. और स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें जो उसका a अपॉन b, a अपॉन b जो हमारा रेशनल नंबर है इसमें न्यूमरेटर a और डिनोमिनेटर b है, इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर ना हो. किसके अलावा, अदर देन 1 के अलावा इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तब वो हमारी जो फॉर्म होगी वो क्या कहलाएगी, लोएस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर. यानी किसी भी रेशनल नंबर की जो लोएस्ट फॉर्म होती है उसकी उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स जो होते हैं उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 के अलावा, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर है. ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं हमारे, उन सभी का एक फैक्टर कंपल्सरी है, क्या, 1. तो इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. जैसे एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे 3/7, न्यूमिनेटर क्या है 7, न्यूमिनेटर 3 एंड डिनोमिनेटर 7. अब 3 और 7 में हमारा जो है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. आप देखेंगे तो क्या किसी के कोई ऐसी चीज है जिसके टेबल में 3 और 7 दोनों आते हैं, नहीं आते. तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 के अलावा. तो जो लोएस्ट फॉर्म होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है. किसकी, रेशनल नंबर की. जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वही उसका लोएस्ट फॉर्म होगी. नेक्स्ट, हाउ वी फाइंड द लोएस्ट फॉर्म ऑफ एनी रेशनल नंबर. हम लोएस्ट फॉर्म फाइंड कैसे करते हैं किसी रेशनल नंबर की. सपोज यहाँ पर 3/7 एक एग्जाम्पल लिख दिया कि एक ऑलरेडी हमारे लोएस्ट फॉर्म में है. अगर हमें कोई ऐसा नंबर ऐसी डिजिट दे दी जो लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, तो हम उसको लोएस्ट फॉर्म में उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते हैं, ये हमें यहाँ फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज कीजिए 12/15, ये एक रेशनल नंबर है, हमें इसे इसकी लोएस्ट टर्म में फाइंड करना है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में फाइंड करना है. तो इसके दो स्टेप होते हैं. स्टेप 1 हमें क्या करना है, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर a और b जो वैल्यू है इनका हम HCF फाइंड करेंगे. क्या फाइंड करेंगे, HCF. एंड देन स्टेप 2 है हमारा कि जो हमारा HCF आया है उससे उसको डिवाइड करेंगे. डिवाइड a और b बोथ बाय द HCF, यानी कि a और b जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों को इसके HCF से डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के बाद जो हमारी टर्म्स आएगी वो हमारी लोएस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी. जैसे हम कैसे फाइंड करते हैं, सपोज कीजिए 12/15, सबसे पहले मैं 12/15 का HCF फाइंड कर लूंगा. 12 बन गया 12, 5-2 3, 1-1 0, नाउ 3 से डिवाइड करूंगा मैं इसको 12 पर, 3 4 12. इट मींस इसका जो हमारा HCF आया वो कितना आया, 3. अब मैं 3 से 12 को भी डिवाइड करूंगा 15 को भी. 12 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 15 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल 3 4 12 एंड 3 5 15, क्या आया, 4 अपॉन 5. तो जो 4/5 है वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है कौन से रेशनल नंबर की, 12/15. 12/15 की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है या लोएस्ट फॉर्म है वो क्या है, 4/5. अब कोई भी ऐसी डिजिट नहीं है 1 को छोड़कर जो 4 और 5 दोनों को डिवाइड कर दे. तो जो हमारी लोएस्ट फॉर्म फाइंड करने का जो मेथड है वो मैंने आपको बताया. क्या करना है, सबसे पहले हमें न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF फाइंड करना है. और सेकंड स्टेप में जो HCF हमारा आया है उससे a और b मींस न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो जो हमारी फॉर्म आएगी वो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी. गॉट इट. अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट पर आते हैं हम, रेशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन. ये हम रेशनल नंबर्स को नंबर
अपन लाइफ में कैसे शो करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे आसान तरीका होता है इसका, इसके मेथड तो वैसे बहुत ही है, लेकिन मैं आपको सबसे इजी मेथड बताऊंगा। सपोज दो नंबर्स दे रखे हैं 2/3 और -k 2/3, दोनों रेशियो नंबर्स को हमें रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट बनाएंगे, एक नंबर लाइन। नंबर लाइन का मिड पॉइंट जो होता है वो हमारा होता है 0, और 0 के राइट साइड में जो होती है वो होती है प्लस की डिजिट्स, +1 +2 आगे ऐसे चलती रहती है। लेफ्ट साइड में होती है -1 -2। अब जो भी डिजिट्स हमें, जिसको भी हमें रेशनल, किसी भी रेशनल नंबर को जो हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो उसका डिनोमिनेटर्स होता है हम उसको ध्यान में रखते हैं, क्या है 3। जितना भी डिनोमिनेटर्स होता है हम 0 से फर्स्ट डिजिट्स तक उसके उतने ही पार्ट कर लेते हैं, इतना है 3। तो 0 से 1 तक मैं इसके 3 पार्ट कर लूँगा, 1 2। इक्वल इक्वल पार्ट कर लूँगा, कितना हुआ, एक पार्ट ये हो गया इसका, एक ये हो गया, एक ये 3 पार्ट्स हो गए। ऐसे में इधर 3 पार्ट कर लूँगा इसके, 1 2, कितना हो गया 1 2 3। दोनों साइड मैंने 3 पार्ट कर लिया, क्योंकि मुझे पॉजिटिव 2/3 का भी निकल रहा है और माइनस के 2/3 का, इसलिए मैंने दोनों साइड किए। अब क्या है, +2/3 का रेस कर लो, +2/3 तो प्लस है, तो हम किस तरह चलेंगे, 0 के राइट साइड पर +2/3 कितने, 3 में से 2, 3 में से 2 कितने हैं, हम तो आगे हमारे यहाँ 0 हो गया, 1 2 3 टोटल 3 में से 2। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट आएगा ये हमारा कहलाएगा +2/3। अब क्या है -2/3, तो माइनस लेफ्ट साइड में चलेंगे 0 के, माइनस यहाँ हमारा 1/3 2/3, अब 2/3 तो 1 2। तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा ये कहलाएगा -2/3। सपोज कीजिए यहाँ हमारा डिनोमिनेटर 4, 5, 6 या 7 कुछ भी हो सकता है, तो जो भी हमारा डिनोमिनेटर्स होगा हम 0 से लेके 1 तक उसके उतने ही पार्ट करेंगे। सपोज एक एग्जांपल और ले लीजिए, अभी मैं बताता हूँ आपको, 3/5 ये ले लीजिए, 3/5। अगर मैं 3/5 लूँगा तो मिड में 0, इधर 1, इधर -1, कितना डिनोमिनेटर है 5। तो 0 से लेके 5 तक के मुझे कितने पार्ट करने होंगे, 5 1 2 3 4 and then 5 5 अब 3/5 means 5 में से 3, तो 1 2 3 ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा ये क्या कहलाएगा, 3/5। तो इस तरह से हम नंबर लाइन से अपने रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या कितने की जगह हमारा लोएस्ट फॉर्म क्या होती है रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर की लोएस्ट फॉर्म फाइंड कैसे करते हैं, और रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर किस प्रकार हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.1। ओके, थैंक यू।